का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया जा रहा है और ये हम सब के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया प्रयोग शुरू किया, सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक, उसकी पहली बैठक बिहार को मिला और वो पटना में 30 और 31 तारीख को ज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। हमारे बिहार के कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार उस कार्यकारिणी की बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में मैं भी आपके बीच में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एसटी मोर्चा, कुल 7 मोर्चे हैं। उन 7 मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक 30 तारीख को, उसका उद्घाटन यहाँ पर 4 बजे होगा ज्ञान भवन में। उद्घाटन हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे और 30 तारीख को समापन, 31 तारीख को समापन शाम को 4 बजे होगा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। 30 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पटना आएंगे तो हमारे पटना सहित पूरे बिहार के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत करेंगे और हवाई अड्डे से वो वहां चलेंगे, फिर अंबेडकर हाईकोर्ट के सामने से अंबेडकर जी का जो स्मारक है वहां से लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मारक तक रोड शो का आयोजन होगा। यह रोड शो ऐतिहासिक हो, आम जनमानस इस रोड शो में भाग ले, दिशा में हमारी पार्टी की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ एक और नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। अभी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस दौरान हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो वहां पर जाएंगे और 2 दिन तक अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, गरीब गांव, गरीब कल्याण के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसको जन जन तक पहुंचाना, इस दिशा में हैदराबाद से वो प्रयोग शुरू हुआ और वही प्रयोग बिहार के बिहार प्रदेश में भी हम लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी के पदाधिकारी और मोर्चे के जो भी पदाधिकारी या सदस्य हैं वो बिहार के 200 विधानसभाओं में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं और यहां पर नीतीश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारी जो अलायंस की सरकार है, हमने जनता के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए क्या किया है, यह हम जन जन तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएंगे, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। हम लोगों का प्रयास है कि निश्चित रूप से इस कार्यकारिणी से एक अच्छा संदेश बिहार के आम जनमानस में और पूरे देश में जाएगा, उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। उस बैठक में हमारे देश भर के सभी मोर्चों से जुड़े हुए पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, सभी प्रदेशों से प्रदेश के अध्यक्ष मोर्चे, प्रकोष्ठ मोर्चों के और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में मैंने चर्चा की है, गृह मंत्री जी, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस दिशा में आज जो तैयारियाँ अभी तक हुई हैं उसकी जानकारी हम लोगों ने दी है।
हम लोगों का प्रयास है कि पटना में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत हो और इस कार्यकारिणी को कैसे यादगार बनाया जाए, इस दिशा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे बिहार की पूरी टीम लगातार लग करके काम कर रही है। मुझे आप सबके बीच में इतनी ही जानकारी देनी थी, बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कई और कार्यक्रम यहाँ पर हैं, उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे और प्रदेश अध्यक्ष प्रश्न होगा तो उसका जवाब हम लोग देंगे। धन्यवाद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। 31 तारीख को मन की बात पटना सिटी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनेंगे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, और इसी स्थान पर 12 बजे दिन में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे 16 जिला कार्यालयों का उद्घाटन होगा और 7 जिला कार्यालयों का शिलान्यास होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए इसको बहुत ही महत्व दिया कि हर जिले में अपना पार्टी का कार्यालय होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास और मेहनत से हम विभिन्न जिलों में अपने पार्टी कार्यालय को अपने भवन में, अपने जमीन पर खोलने में सफल हो रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन बिहार के सभी जिलों के हमारे प्रमुख पदाधिकारियों का होगा। सभी 45 जो हमारे संगठनिक जिले हैं वह वेब के माध्यम से बिहार प्रदेश कार्यालय से जुड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे बिहार के लिए जो संदेश होगा वह हम आगामी वर्षों में पूरा करेंगे।